today we are going to start SST class. In previous class, I have taught you about parts of body, chapter 2 में है जो. So, आज हम लोग उसी को revise करेंगे. आप लोग chapter 2 निकालिए. जिसके पास ये social studies book है, वो page number 8 में जाकर chapter 2 निकालिए. ठीक है, आज हम लोग उसी को revise करेंगे. So, chapter 2, page number 8. देखिए, ये है आप लोग का parts of body. जो दिया है चैप्टर 2 पेज नंबर 8 में है. सो पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या क्या आता है, आप लोगों को मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में, आईज, नोज, ईयर, ये सब हम लोग का पार्ट्स ऑफ बॉडी का पार्ट्स है. आईज हम लोग को क्या क्या चीज में हेल्प करते हैं, देखने में. नोज स्मेल करने में, कुछ गंध स्मेल करने में. ठीक है, माउथ खाने में, टीथ चबाने में, च्यू करने में. ठीक है, हैंड्स लिखने में, क्लाइंब करने में, लेग्स चलने में, वॉक करने में हम लोग का हेल्प करता है. ऐसे ही सो आज मैंने उस दिन आप लोगों को होमवर्क दिया था पेज नंबर 8 में, ट्राई दिस. आप लोगों ने ये किया होगा होमवर्क कंप्लीट. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटीज वर्क. जो बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, सो मैंने ये एक्टिविटीज वर्क आप लोग को बुक से क्वेश्चन बनाकर दिया है. सो आप लोग ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा. क्वेश्चन देख के, ये वीडियो में देख के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक में है क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने दिया है यहाँ पर बोर्ड में. ठीक है, बोर्ड में देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. इयर्स आर यूज्ड टू सी टॉक हेयर. कान, जो कान है यहाँ पूछ रहे, इयर्स आर यूज्ड टू, कान हम लोग को क्या काम करता है, यूज किस में होता है, सुनने में. हेयर, सो आप लोग किस पे टिक लगाएंगे, हेयर, एच ई आर, हेयर पे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ ह्यूमन बॉडी हैज डैश हैंड्स. ह्यूमन बॉडी मतलब हम लोग है ना, ह्यूमंस लोग, हम लोग के पास कितना हाथ है वो पूछ रहे हैं. हम लोग के पास, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा एच ई आर, हेयर. हम लोग के पास कितना हैंड्स है, टू है. सो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, टू. सो ऐसे करेंगे. ठीक है, वी च्यू फूड थ्रू आवर, हम लोग कैसे च्यू करते हैं, कैसे चबाते हैं, हम लोग कैसे चबाते हैं, दांत से चबाते हैं ना. सो यहाँ पर टीथ है ऑप्शन में, आईज है, माउथ है. सो आप लोग किस पे करेंगे, टीथ पे टिक करेंगे, टीथ पे ऐसे करके लिख लेंगे. ठीक है, आवर बोथ हैंड्स हैव डैश फिंगर्स. हम लोग के दो हाथ में कितना फिंगर्स है, बोथ हैंड्स हैव 10 फिंगर्स. कितना फिंगर्स है, 10 फिंगर्स. ठीक है, 5 एंड 5, कितना हुआ, 10. और बोथ हैंड्स, बोथ मतलब दोनों हाथ में कितना फिंगर्स है, 10 फिंगर्स है. यहाँ पर 10 लिखेंगे. सो ऐसे करके आप लोग को ये कॉपी में करना है. सो डू दिस इन योर कॉपी. ठीक है, ये आप लोग को स्कूल का कॉपी जो है आप लोग को मिला है, स्कूल का कॉपी में करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में है एक्टिविटीज 2. ये भी बुक में नहीं है, मैंने आप लोगों को बुक से ही क्वेश्चन बनाकर दिया है. ठीक है, ये एक्टिविटीज वॉक है जो आप लोगों को करना है. सो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1, वी टेस्ट अवर फूड विथ, हम लोग फूड कैसे टेस्ट करते हैं, किससे टेस्ट आता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में किससे टेस्ट आता है, माउथ से. हम लोग जब मुंह में डालते हैं तब क्या होता है, हम लोगों को टेस्ट आता है किसी चीज का. ठीक है, अ ह्यूमन बॉडी हैज डैश आईब्रोज. ये आप लोगों को करना है, कितना आईब्रोज है. ठीक है, वी वॉक. ये क्वेश्चन में क्या है, वी वॉक विथ आवर डैश. ये कैसे, आप लोग कैसे, किस, वी वॉक विथ आवर लेग्स. हम लोग किसे चलते हैं, लेग्स से. सो आप लोगों, जिससे आप लोग का आंसर बुक में आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोग को याद है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, जिसको याद है ये एक्टिविटीज आप लोग आराम से कर सकते हैं. जिसको समझ नहीं आया होगा, जिसने बुक अभी तक पढ़ा नहीं है, खोला नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, तो ये वो एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो वी हैव डैश नोज. हाउ मेनी नोज वी हैव, यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी नोज. आप लोगों को ये भी फिल करना है. वी सी ऑब्जेक्ट्स विद आवर, हम लोग कैसे देखते हैं, वी सी ऑब्जेक्ट्स विद आवर डैश.
हम लोग क्या क्या किससे दिखते हैं, आप लोगों को उसका आंसर लिखना है. सो नेम एनी 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी. क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, मैंने बोला है नेम एनी 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी. आप लोगों को 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी का नेम लिखना है, किस पे, कॉपी में, जो स्कूल कॉपी है, आप लोग का नोट कॉपी है उसमें आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, क्या क्या दिया है मैंने होमवर्क में आप लोगों को, होमवर्क में दिया है आप लोगों को, मैंने दिया है पहले आप लोग पेज नंबर 8 में देखिए, ट्राई दिस. आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा. सो माय हेयर इज डैश. आप लोगों का हेयर का कलर कौन सा है, ब्लैक है तो ब्लैक लिखिए, ब्राउन है तो ब्राउन लिखिए. सो देयर आर डैश कर्ली और स्ट्रेट. आप लोगों का कर्ली बाल है तो कर्ली लिखिए, स्ट्रेट बाल है तो स्ट्रेट लिखिए. ठीक है, माय नोज इज, आप लोगों का नोज लॉन्ग है कि शॉर्ट है, लॉन्ग है तो लॉन्ग लिखिए, शॉर्ट है तो शॉर्ट लिखिए. माय आईज आर डैश, माय आईज आर ब्राउन कलर है तो ब्राउन लिखिए, ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर लिखिए. ये सब आप लोगों को किस पे करना है, कॉपी में भी करना है. ठीक है, सिर्फ बुक में नहीं करना है, ये आप लोगों को स्कूल कॉपी में भी करना है. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.